हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम कनेक्शन करना सीखेंगे चार सॉकेट और चार स्विचेस के। तो आप देख सकते हैं चार सॉकेट और चार स्विचेस को मैंने बोर्ड में लगा लिया है। अब हम इसे पीछे की साइड से देख लेते हैं। तो ये है हमारे सॉकेट, और सॉकेट में तीन टर्मिनल होते हैं, फेस, न्यूट्रल और अर्थिंग का टर्मिनल। और ये है हमारे स्विचेस के टर्मिनल, स्विचेस में दो टर्मिनल होते हैं। तो चलिए अब हम इन सब की वायरिंग करना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे फेज़ वायरिंग। तो फेज़ वायरिंग के लिए मैंने ये रेड कलर का वायर ले लिया है। इस फेज़ वायर से हम चारों स्विचेस के नीचे वाले टर्मिनल्स को कॉमन बना लेंगे। अब हमें चार पीसेस लेने हैं फेज वायर के, और इन्हें हम कनेक्ट करेंगे सॉकेट के एल वाले यानी कि फेज वाले टर्मिनल से स्विचेस के ऊपर वाले टर्मिनल पर। चारों सॉकेट में और स्विचेस के साथ हमें इसी तरीके से कनेक्शन करने हैं। तो फेज़ वायरिंग हमने कर ली है, अब हम करते हैं न्यूट्रल वायरिंग। तो न्यूट्रल वायरिंग के लिए मैंने ये ब्लैक कलर का वायर ले लिया है, और इस वायर से हम सारे सॉकेट के जो न्यूट्रल वाले पॉइंट्स हैं इन्हें हम कॉमन बना लेंगे। तो सारे कनेक्शन हमारे हो गए हैं। अब हम मेन सप्लाई के कनेक्शन कर लेते हैं। तो मेन सप्लाई के लिए हमें चाहिए होता है एक फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर। तो फेज वायर को हम किसी भी स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर सकते हैं, और न्यूट्रल वायर को हमें सॉकेट के एन वाले यानी कि न्यूट्रल वाले पॉइंट पर कनेक्ट करना होता है। तो ये कनेक्शन भी हम कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेन सप्लाई के फेज वायर को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, और न्यूट्रल वायर को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्टिंग के लिए हम इसे पलट लेते हैं। तो टेस्टिंग के लिए जो हमारे मेन सप्लाई के वायर हैं इन्हें हम मेन सप्लाई में लगा देते हैं। तो टेस्टिंग के लिए मैंने मोबाइल ले लिया है, और आप देख सकते हैं ये सही से वर्क कर रहा है। हमारे जो बाकी तीन और सॉकेट हैं वो भी इसी तरीके से वर्क करेंगे। तो गाइज, इस तरीके से आप चार सॉकेट और चार स्विचेस की वायरिंग करना घर पे ही आसानी से सीख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।